रहमान रहीम, आज मैं मूंग की धुली दाल पकाने लगी हूँ। मसाला मूंग के एक पाव दाल मैंने आधा घंटा हो गया धो के रख दी है। एक बड़ा टमाटर, लहसुन अदरक एक एक टी स्पून भर के, और हरी मिर्च, नमक और सुरख मिर्च एक एक टी स्पून, और थोड़ी सी हल्दी, और दो दरमियाने प्याज, ये मैं लाइट ब्राउन करूँगी। इसके बाद लहसुन अदरक डाल के और नमक मिर्चें डाल के इसका मसाला भून लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैं मसाला भून रही हूँ इसका, टमाटर थोड़े गल जाएँ, थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो जाए, फिर दाल डालूँगी। मैंने एक टीस्पून बीच में ज़ीरा और काली मिर्च भी डाला। ये मसाला तकरीबन अब भून गया, अब मैं दाल डाल के एक गिलास पानी इसमें डालूंगी और लो से मीडियम आंच पे इसको पकाना, और एंड पे इसको दम पे जैसे चावल रखते हैं इस तरह रख देंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, एक दो दफा बस ऊपर नीचे करें। बस ये पानी खुश किसका होता है, तो मैं पानी डाल दूंगी, और जब बॉयल आना शुरू हो उस वक्त आपने लो से मीडियम आंच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी मैंने डाल दिया, अब जब जोश आने शुरू होंगे उस वक्त मैं इसकी आंच धीमी कर दूंगी। बॉयल आना शुरू हो गया, अब मैं इसकी आंच धीमी करके इसको पकने के लिए रख देती हूँ। बस इतना सा काम है और बड़ी अच्छी मूंग की दाल पकेगी। ये लें जी, अब इसमें सुराख डलने शुरू हो गए हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा ढांप के नहीं पकाना, क्योंकि अब जब दम में रखना है तो फिर बड़ी अच्छी ये पकेगी। अब बिल्कुल चावलों वाली पोजीशन में इसको दम पे रखना है, 5 से 7 मिनट आप रखेंगे तो बेहतरीन दाल तैयार है। लें जी, दाल माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर बनाएंगे। मैं अब डोंगे में डाल के आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आप ये मूंग की धुली दाल मेरे तरीके से ज़रूर एक दफ़ा बनाएंगे। अगर दिल करे तो मेरा चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।